मेरी शादी 8 महीने पहले हुई थी, फरवरी में, और शादी के 2 महीने बाद ही पत्नी मुझसे मम्मी पापा को छोड़ने का दबाव बनाती है और उसकी बातों में नहीं आया तो उसने मम्मी को पॉइजन देने की कोशिश की, जिससे मम्मी का लूज मोशन हो गया। और उसके बाद मैंने अपनी पत्नी और उसकी मम्मी की बातचीत अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली, जो कि हमारे घर को बर्बाद करने वाली बातचीत थी। और मेरी पत्नी बहुत बुरी बुरी गालियाँ देती हैं, तो हमने उसके घर वालों को बुलाकर शादी के 2 महीने बाद उसको उसके घर भेज दिया और अब तक वह अपने घर है। लेकिन सर, वह अब मुझे पर नापुंसक होने का आरोप लगा रही है, तो सर मैं क्या करूं बताएं? उसको लाना नहीं चाहता बिल्कुल। अब ऐसी परिस्थिति है जहां पे कि स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि वाइफ का नेचर सही नहीं है, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, वाइफ का मैलिफाइड इंटेंशन है, आप पे फॉल्स केसेस लगा सकते हैं, कल हो के आप पे भैया आप लड़के पे कि लड़का इम्पोर्टेंट है, लायक नहीं है, एंड इस वजह से उसमें ही कमियां हैं, लड़का शराबी है, पैसे नहीं देता है, या दहेज के लिए उसके माँ बाप परेशान करते हैं, भाई बहन परेशान करते हैं। इस तरीके से आम तौर पे लड़कियों के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा लड़कियों पक्ष पे, लड़के के परिवार के ऊपर झूठे केसेस लगा देना, उनको डाना धमकाना, डाइवोर्स की बात करना। तो अगर आप भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जहाँ पे आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रह रही हैं या रह रही हैं, आपको डराया धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपके ऊपर खर्चे का केस किया हुआ है, अब उसके पीछे वजह है, कई बार लड़की दूसरी शादी करने के प्लानिंग में होती है, या फिर उसको आपके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है या उसका नेचर है, जो भी वजह हो, लेकिन आम तौर पे लड़की वाले खुद आपको ब्लैकमेल करेंगे, खुद आपको मजबूर करेंगे, जिससे आप खुद लड़की को छोड़ने वाली बातें करने लगे और बदले में आपसे फिर छोड़ने के नाम पर एक मोटी रकम कोर्ट के माध्यम से, समाज के माध्यम से वसूला जाएगा। तो अगर आपके साथ भी कोई फैमिली प्रॉब्लम है, मैट्रिमोनियल इशू है, केस फाइल किया गया है, थाने में कंप्लेन दी गई है, आप क्या कंप्लेन कर सकते हैं अपनी पत्नी के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, चाहे वो आपराधिक षड्यंत्र का हो, मारपीट का हो, घरेलू हिंसा का हो, डेफिनेटली लड़की वाले ये केस फाइल करते हैं। लेकिन बिंग एन हस्बैंड, आपके पास भी ऑप्शंस हैं, आप भी लड़की उनके माँ बाप के ऊपर आपराधिक षड्यंत्र, चोरी, जान से मारने की कोशिश जैसी चीज़ें फाइल कर सकते हैं और डेफिनेटली कार्रवाई होगी। लड़की के भी बाप और भाई हैं, उनके खिलाफ आप केसेस फाइल कर सकते हैं। फैमिली केस इज़ ऑल अबाउट गेम, आपको इस गेम को समझना होगा, अगर आप समझ जाते हैं जीत जाएंगे, अदरवाइज कोर्ट कचहरी में ऐसे मामलों में कुछ नहीं रखा है, केवल आप पे दबाव बनाने के अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे। आपका क्या राइट है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति पता नहीं होता, एडवोकेट अपना फ़ायदा देखेगा, पुलिस अपना, वाइफ अपना, आपका फ़ायदा कहाँ पर है, क्या सही है गलत है, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बच सके, वो सारी चीज़ें आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो जो भी आपका इशू है आप व्हाट्सअप करें, भारत के किसी भी कोने से, किसी भी जगह से अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। किसी अन्य कानूनी मामले के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना केस डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो फैमिली, सिविल, क्रिमिनल, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी आपका केस हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नंबर को सेव करें।